वित्तीय झटका भी है सरकार के लिए, कैसे क्या करेगा? नहीं, ये तो इसको तो इससे और ज्यादा संवेदनशीलता क्या हो सकती है। जिस दिन घटना घटी है उसी दिन शाम में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसका संज्ञान लिया, विभाग को निर्देश दिया। इस विभाग के मंत्री भी उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने और अपर मुख्य सचिव ने बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को सारे वस्तु स्थिति की जानकारी दी कि वो पुल शुरू से कमजोर बना था, जैसा कि जांच में ही आया था। पहले भी कुछ एक दुर्घटना हुई थी और दो चार जो पिलर्स थे उसको विभाग ने ही स्मैश भी मतलब उसको तोड़ा था, तो उसमें सही मजबूती उसका नहीं दिया गया था। ये तो बात तो स्पष्ट है और सरकार ने कहा है कि संवेदक हो या जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो भी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये तो स्पष्ट है। उसके लिए तो तरीका होता है, जैसे पिछले बार जो पाया ध्वस्त हुआ था उसको एजेंसी के कॉस्ट पर ही दूसरा बनाया गया था, इसलिए वो तो पूरा उसका कितना फाइनेंशियल लॉस या डैमेज हुआ है उसका असेसमेंट करके उसकी लायबिलिटी फिक्स करके फिर उसको कंपनसेट करने का सरकार के लिए भी तरीका बनाया जाए। सर, ये जो जांच की बात हो रही है इसमें साफ तौर पर चाहे आपके पार्टी के विधायक हों या फिर बीजेपी के लोग, ये कह रहे हैं कि जो अभी जांच कमेटी बनी है उसके इतर जांच कराया जाए, चाहे वो सीबीआई रिटायर्ड जज हो या फिर सीबीआई आज के अपर मुख्य सचिव। देखिए ये बात कोई कहे, चाहे भाजपा के नेता कहें या कोई हमारे दल के कहें या कल किसी दल के कहें, ये किसी दल के कुछ कहने की बात नहीं है। और विभाग जब स्वयं कह रही है जो हाँ इसमें गड़बड़ी पाई गई थी और हम लोग उन गड़बड़ियों के परिप्रेक्ष्य में आगे जांच ही कर रहे थे, इस बीच में ये घटना घटी है, इसलिए हम लोग और गहराई से जांच करके जिसकी भी जिम्मेदारी होगी उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने जब स्वयं निर्देश दिया है तो इसमें किसी के दाएं बाएं करने या किसी को किसी चीज़ को छिपाने या किसी चीज़ को दबाने की बात हो ही नहीं सकती है। और जांच होने जाने दीजिए, तब जो लोग भी आज भाजपा के नेता कह रहे हैं तो उनको अगर मालूम है कि किस चीज़ को दबाया जा रहा है वो चीज़ अभी जाहिर कर दे। सरकार खुले तौर पर आमंत्रित करती है भाजपा नेताओं को कि आप किस स्पेसिफिक चीज़ की जाँच चाह रहे हैं, जो आपको लगता है दबा दिया जाएगा वो चीज़ आप लाइए, उस पर सरकार जांच करा के पूरी उसकी सूचना सार्वजनिक कर देगी। जो मौजूदा विभागीय प्रधान सचिव है उनकी जांच से संबंधित अभी जांच जो घटना होती है, जांच जो वहाँ पर स्थिति होती है, कंस्ट्रक्शन होता है उसके मटेरियल से लेके उसकी जांच होती है ना। अब एक व्यक्ति की क्या जांच होती है, कहने वाले कौन है, वो चेहरा देख के आप लोग क्यों इस तरीके से बात करते हैं? फैक्ट पे ना बात करिए कि चेहरा देख के कोई आदमी बोल रहा है इससे उस बात का वजन बढ़ जाता है और कोई दूसरा बोल रहा है तो घट जाता है, कि बात का वजन होता है जो बात कैसी है। लेकिन सर कंपनी पर सवाल उठ रहा है तो कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, कंपनी के विरुद्ध जो अभियोग जो चीज प्रमाणित होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर पिछले साल भी हीरा था तो उसके लिए कार्रवाई की गई थी। और जो हमने कहा, जो हमको सोचना है कि उसी के कॉस्ट पर जो अभी पूछ भी रहे थे जो फाइनेंशियल लॉस का क्या होगा, कि उसी कंपनी के कॉस्ट पर फिर से उसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया था, तो इसलिए और बाकी फिर किया है। अगर ये लगातार इस तरह की घटना है, सरकार ने मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि लगातार ऐसी घटना ही बिल्कुल गलत बात है और इसके खिलाफ पूरे सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जांच पूरी होने के पहले ही किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जांच के बारे में खुद अपने मन से कुछ प्रिज्यूम कर लेना मेरे ख्याल से ये उचित नहीं। हाँ, एक बात हो सकती है कि
कि अगर किसी को भी खास तौर से भाजपा नेताओं को अगर ये शक है कि इस पूरे जांच प्रक्रिया में किसी चीज को दबाया जा सकता है तो उस चीज को अभी से बता दें, उसके बारे में और गहराई से जांच की जाए। तो उसमें तो जो उसका मतलब नियमित प्रावधान है, जो रूल कहेगा कि अगर एक जगह कुछ गलत किया जाता है तो दूसरे जो इस तरह के एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट्स है उस पर क्या असर पड़ेगा, उसमें जो नियमित प्रावधान होगा वो जरूर किया जाएगा।